नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। देश में इस समय चुनाव की सरगर्मी है। लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में कराए जाएंगे। उधर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी जारी है। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने 400 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अब तक 200 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने भी कई चेहरों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ उन्हें बदले जाने की भी लिस्ट जारी हो रही है। मेरठ और मिश्रिख लोकसभा सीट पर तो समाजवादी पार्टी ने एक नहीं बल्कि दो बार उम्मीदवार बदल दिए। गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कुछ पर उम्मीदवार बदले हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं उनमें मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुरादाबाद, संभल, मिश्रिख, बिजनौर जैसी सीटें शामिल हैं। सपा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से दो बार प्रत्याशी बदला है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था। भानु की जगह विधायक अतुल प्रधान को टिकट मिला था। प्रधान ने नामांकन भी कर दिया था, हालांकि उनका टिकट भी काट दिया गया और अब उनकी जगह सुनीता वर्मा उम्मीदवार बनी है। नामांकन के आखिरी दिन सुनीता ने इस दौरान नामांकन दाखिल कर दिया। 15 मार्च को सपा ने सूची जारी कर भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार घोषित किया था। भारी उम्मीदवार बताकर उनका विरोध होने लगा। 1 अप्रैल को अतुल प्रधान को उम्मीदवार घोषित कर दिया, फिर भी विरोध नहीं थमा। इसके बाद नामांकन के आखिरी दिन 4 अप्रैल को अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को मेरठ से उम्मीदवार बना दिया गया। पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था, लेकिन उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो बदले जा रहे हैं। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव के स्थान पर उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाया जा सकता है। वाराणसी, संभल, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, खजुराहो जैसे लोकसभा सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 200 से अधिक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हालांकि कई प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसकी वजह से पार्टी को अपने उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के सीतापुर से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री नकुल दुबे को उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि स्थानीय विरोध की वजह से कांग्रेस को टिकट बदलना पड़ा। नकुल दुबे के स्थान पर पूर्व विधायक राकेश राठौर की घोषणा की गई। राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर किसी और को टिकट देने की बात भी कही। राजसमंद लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना नया प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को घोषित किया। गुजरात के अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि रोहन गुप्ता ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ दिन बाद ही रोहन गुप्ता ने पार्टी में अज्ञात नेताओं द्वारा चरित्र हनन का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 9 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें पार्टी ने 400 से ज्यादा चेहरों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब तक पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई तो उसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भी नाम था। उन्हें पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से टिकट दिया गया था। यहां से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के मौजूदा सांसद हैं। महज 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि
पवन ने बतौर प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह की कुछ पुरानी फिल्मों के दृश्य साझा किए और इन्हें बंगाली अस्मिता के खिलाफ बताया। बीजेपी ने अब तक यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। उधर आपने जालंधर सीट से सांसद सुशील कुमार रिंकू को टिकट दिया। रिंकू ने प्रचार शुरू कर दिया था लेकिन बाद में वो बीजेपी में चले गए। हालांकि आपने अब तक यहां दोबारा अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं रिंकू अब इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर सब जगह असमंजस की जो स्थिति है वो चुनावों से पहले बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कुछ पर उम्मीदवार बदले भी गए हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं उनमें मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुरादाबाद, संभल, मिश्रिख, बिजनौर जैसी सीटें शामिल हैं। तो क्यों असमंजस में है पार्टियां अपने ही उम्मीदवारों को लेकर, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है कैप्टन आई सिंह जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है भरत सिंह जी। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत पूजा जी। कैप्टन आई सिंह जी, आपने मेरठ से रामायण के राम को क्या मैदान में उतार दिया। सपा ने दो बार अपने प्रत्याशियों को बदल दिया, तीसरी बार अपने प्रत्याशी को अरुण गोविल के सामने अब चुनावी मैदान में सपा ने उतारा है। मेरठ के अलावा बागपत, मुरादाबाद, संभल, मिश्रिख, बिजनौर जैसी सीटों पर सपा मुखिया उम्मीदवार बदल चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है कि बारी लखनऊ की है, आपकी टिप्पणी। देखिए रेशु जी, सपा कांग्रेस पार्टी इस सभी हिस्सा में बहुत ही घबराई हुई है। इन्हें यही समझ में नहीं आ रहा, बार बार प्रत्याशी अपना बदल रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि किसको किसके सामने लाएं। और हमारे तो प्रत्याशी, हम पहली बार भी जिनको हमने उतारा है, ज्यादा से ज्यादा हमने पहली बार उतारे हैं और वो डट के मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं। मगर समाजवादी के मुखिया इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। कुछ तो प्रत्याशी अपने आप ही मना कर देते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, और कुछ वो कुछ सोच विचार के फिर बदल देते हैं, फिर भी सेट नहीं बैठा तो तीसरी बार लाते हैं। तो इनके बस का अब चुनाव रहा नहीं है। जनता जान चुकी है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये दोनों ही गठबंधन वाले लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है यहाँ 80 सीटों में से किसी भी एक भी सीट पे इनको जीतने नहीं देगी। तो उसी उधेड़बुन में ये लगे हैं कि किसको लाया जाए जो कम से कम जमानत तो बचा ले, ये सोच रहे हैं। ये तो जानते हैं कि इनका प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाएगा, मगर इनको जो चिंता है वो इस बात की है कि कहीं कहीं जमानत तो बच जाए, इसलिए बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपने देख, जमानत बच जाए इसलिए प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। पूजा मिश्रा जी, जरा पहले इस बात पर जवाब दे दीजिए। आपको नमस्ते रितु जी और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि घबराहट, हमें घबराहट नहीं है। हर पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव रणनीति के साथ लड़े जाते हैं और ऐसा लड़ा जाता है कि हमारा प्रत्याशी जीत के आए, देश नेतृत्व को जो सही लग रहा है उसे टिकट दे रहे हैं। आप मेरठ की बात करें, चाहे भानु प्रताप सिंह जी रहे हों, चाहे अतुल प्रधान जी रहे हों, चाहे अभी सुनीता वर्मा जी हैं, सबका टिकट चाहे इनको दिया गया हो, किसी के साथ कहीं से विरोध नहीं रहा कि जो है अतुल प्रधान जी के टिकट कटने के बाद में उन्हें विरोध किया हो। आपने वो तो नामांकन भी कर चुके थे ना पूजा मिश्रा जी। एक बात बताइए ना कि एक उम्मीदवार जिसको आप घोषित कर चुके हैं और अब चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरता है, अब उसको शाम तक यही नहीं पता चलता कि भैया मेरा पत्ता ना काट दिया जाए, तो कैसे आप लोग जीतेंगे चुनाव? क्योंकि जो जो मैदान में है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, ऐसे में उनके सामने भी तो अब स्थिति यहाँ पर ये आ गई है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा पत्ता ही काट दिया जाए। क्योंकि एक सीटों पर तो ऐसा हुआ नहीं है कि सिर्फ मेरठ की बात करें, कई ऐसी सीटें हैं जहां प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। जी, जितनी भी सीटों पे जो है प्रत्याशी बदले गए हैं,
प्रत्याशियों से संवाद बिठा के बदला गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ संवाद नहीं बिठाया गया हुआ या प्रत्याशियों को उससे परेशानी रही है, प्रत्याशियों से संवाद बिठाया गया। आप उनको मीडिया इंटरेक्शन भी उन्होंने किया है, वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर मेरठ की बात करें तो आपका जो भाजपा का प्रत्याशी है अरुण गोयल जी, बढ़िया एक्टर है, मैं उनको बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन वो प्रत्याशी बन के जब से आए हुए हैं मेरठ के चुनाव मैदान में लड़ने, मुझे लगता है एक्टर रहते वो ज्यादा सही रहता, क्योंकि उनका विरोध हो रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे, अब वो क्षेत्र में जा रहे विरोध हो रहे, जब उनसे पूछा जा रहा, मीडिया पूछती है कि जो है आप क्या चुनाव के बाद में यहाँ आएंगे, कहते समय बताएगा। तो आपके प्रत्याशी का तो जनता विरोध कर रही है, हमारे प्रत्याशी जो भले बदले गए हुए हैं पर मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और लड़के मजबूती के साथ चुनाव में तब खड़े होंगे ना जब ये पता हो कि हाँ हमें ही चुनाव लड़ना है। अगर यही नहीं पता कि चुनाव लड़ना किसको है तो मजबूती के साथ कैसे खड़े होंगे? आप बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए कि आपने जब, ठीक है एक सेकंड, आप ये बताइए कि आपने जब लिस्ट जारी तक नहीं की थी उससे भी पहले लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा के नाम की घोषणा कर दी थी। अब सुनने में आ रहा है कि अखिलेश भैया को उनके चुनावी प्रचार का अंदाज पसंद नहीं आ रहा है, अब लखनऊ से उनका विकेट गिर सकता है, लव भार्गव या डॉक्टर आर के ठुकराल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये अगर ये बात मैं आप ही से पूछ रही हूं, मिथ फैलाया जा रहा है, बिल्कुल ये शुद्ध रूमर है, बिल्कुल गलत बात है। और ये मैंने शुरू में भी कहा, ये बिल्कुल गलत बात है। जब मुझसे बात हो रही थी कि हाँ विदेश के लिए गलत चीज है, ये जो है इस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये गलत बात ही है, इस पर क्या डिबेट किया जाए। नहीं तो फिर ये चीजें सामने आ कहाँ से रही हैं? अगर आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है तो फिर लव भार्गव का या डॉक्टर आर के ठुकराल का नाम कैसे सामने आ रहा है? ये अपोजिशन जर्नलिस्ट बना रही होगी, चाहे ये रूमर्स फैलाए जा रहे होंगे, क्रिएट किए जा रहे होंगे ताकि जो है हमारा नुकसान हो। चलिए ठीक है, इस बात पर आप कह रही हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। इससे पहले हम मेरठ की बात कर रहे थे, मेरठ लोकसभा सीट से आपने दो बार प्रत्याशी बदले, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया, फिर उसके बाद अतुल प्रधान को आपने टिकट दिया, अतुल प्रधान ने नामांकन कर दिया, फिर उनका टिकट काट दिया, फिर उनकी जगह सुनीता वर्मा उम्मीदवार बनी। बागपत की भी यही कहानी है, बागपत में नामांकन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आपने यहाँ पर प्रत्याशी बदल दिया, यहाँ अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, पहले मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था। गौतम बुद्ध नगर की भी यही कहानी है, पहले राहुल अवाना प्रत्याशी थे, अब महेंद्र नागर जो है वो प्रत्याशी हैं। तो अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो आप लोग भी तो मौका दे रहे हैं ना पूजा मिश्रा जी, बाकी लोगों को। ये जो है आप कह सकते हैं मौका दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, जब अगर विपक्षी जो है जब हम नहीं चेंज करते तो भी जो है वो लगे रहते, उनका तो काम ही यही है कि कैसे भी डिफेंड किया जाए, कैसे भी जो इनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। हम अपनी मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं, हम क्षेत्र में लड़ रहे हैं, हम प्रत्याशी का नाम बदल रहे पर पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही थी, जो जिनको टिकट मिला हुआ है वो भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जिनको टिकट जिनका चेंज हुआ है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ में है और समाजवादी पार्टी के लिए ही प्रचार करे, चाहे वो भानु प्रताप सिंह जी हो, चाहे सी एस एन सिंह जी हो, चाहे अतुल प्रधान जी हो, सब समाजवादी पार्टी के लिए कर्तव्यबद्ध है और काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने जो है टिकट ही वापस कर दिया हो कि नहीं हमें जो है टिकट चाहिए ही नहीं, या फिर हम लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद टिकट मिलेगा भी नहीं ना, या अब टिकट कहाँ मिलेगा, अब तो उनके पास कोई चारा ही नहीं बनता है, अब कहाँ जाएंगे ये बताइए ना, क्योंकि बीजेपी तो ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशियों का पहले ही ऐलान कर चुकी है, तो वहां पर तो अब विकल्प है नहीं। रही बात कांग्रेस की, वो आपके साथ गठबंधन में है ही, मैं आऊंगी वापस से आपके पास भरत सिंह जी, लेकिन अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की ही बात करें, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी के दो लड़के कमाल करके दिखाएंगे और इस बार कमल को हराएंगे, कैसे आप कमल को हराएंगे? क्योंकि अभी तक तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, अब कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नाम का ऐलान हो चुका लेकिन उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। देखिए त्यागी जी, अपनी अपनी रणनीति होती है चुनाव लड़ने की। अगर अब इसमें अगर ऑब्जेक्शन अगर आप नहीं लें कि यहाँ पे प्रत्याशी बदले गए, यहाँ पे नहीं दिए गए, तो भाई वो हमें रणनीति तय करने दीजिए कि किसको देना है किसको नहीं देना। अगर किसी को दिया है मान लीजिए, अगर वहां पे जरूरत पड़ा तो बदल दे। और सवाल ये हमारा ही नहीं है, सवाल समाजवादी का नहीं है, क्या भाजपा या भाजपा के अलायंस में जितने लोग हैं क्या उनके पार्टियों में बदले नहीं जा रहे हैं? क्या भाजपा में जैसे आपने दिखा एक विजुअल चल रहा है,
अब उस विजुअल में मैं देख रहा हूँ पवन सिंह जो है बहुत कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बताएं उनको ये वो दिखा रहे हैं ना, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका, क्योंकि चुनाव के बाद ये इनके पास कुछ बचेगा नहीं, तो ये सारे जो जितने लड़ रहे हैं ना ये जाके जिम में कसरत ही करेंगे। अब रही बात की आप ये कह रहे हैं कि पत्ता कटने का, मैं ये समझता हूँ आपको भी ये पता होना चाहिए कि भाजपा मौजूदा करीब करीब 100 सांसदों का टिकट काट चुकी है अभी तक, 100 सांसदों के ऊपर। ये सवाल ये भाजपा से पूछिए कि भाई आपके जो सांसद दो दो तीन तीन बार से सांसद हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया था क्या जनता का? अगर जनता का काम नहीं किया था आपने बदल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो नए लोगों को दे रहे हैं आप, क्या ये फिर जनता का काम करेंगे क्या? ये तो कहते हैं कि हम तो सबको मौका देते हैं। कैप्टन आय सिंह जी, जो सवाल किया था भरत सिंह जी ने कि आप कांग्रेस और सपा के ऊपर तो आरोप लगा ही रहे हैं कि ये अपनी पार्टी के उम्मीदवार बदल रहे हैं, लेकिन आपने जो अपनी लिस्ट जारी की, जो सूची जारी की, उसमें आपने मौजूदा 100 सांसदों का टिकट काट दिया, क्या कारण रहा? क्या वो काम नहीं कर रहे थे? देखिए रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी का हरदम सोच रही है कि अच्छे से अच्छे सभी को मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं नए को लेके आके मौका देता हूँ। कांग्रेस की तरह यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट को ही जी, ये जो है ना कांग्रेस की सोच कहती है कि उनके यहाँ परमानेंट सीट हो जाती, भारतीय जनता पार्टी में कोई सीट परमानेंट नहीं होती है, यहाँ सबको सब जगह काम करने का मौका दिया जाता है, किसी को चुनाव लड़ाया जाता है, किसी को सत्ता में लाया जाता है, किसी को संसद में लाया जाता है। जो अभी हमारे अभी तक हमारे यहाँ तीन तीन चार चार बार के सांसद थे, अब हमें जरूरत लगी कि इसे संसद में ले जाना चाहिए तो हमको संसद में ले गए। जैसे हमारे शिवराज सिंह चार बार के मुख्यमंत्री थे, दो बार के सांसद थे, अब मुझे फिर दोबारा लगाए कि नहीं उनको केंद्र में उनकी उपयोगिता अच्छी रहेगी तो हम फिर उनको चुनाव लड़ा रहे। ये तो हमारे यहाँ की खूबसूरती, और हमारे यहाँ के नेता कार्यकर्ता इसके ऊपर अपने ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, इनके यहाँ तो लाठियां तलवारें चल जाती है, छोड़ छोड़ के भाग लेते हैं, तो ये क्या बात करेंगे? ठीक है, जनता पार्टी का ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। भरत सिंह जी ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है उसी को हमें टिकट देना है, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, हम नयों को भी मौका देते हैं, लेकिन आपके यहाँ स्थिति दूसरी है, अगर आप किसी को टिकट नहीं देंगे तो वो आपकी पार्टी छोड़ देगा और बीजेपी में शामिल हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा जवाब भी आपको इसका मैं देता हूँ जी। देखिए कैप्टन जी ने ये कहा कि हम सभी को मौका देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को 10 साल हो गया है, हटा दीजिए ना उनको, किसी और को मौका दीजिए, क्यों मौका नहीं देते भाई? सिर्फ सांसद ही बलि चढ़ाने के लिए है क्या? क्या मुख्यमंत्री ही बलि चढ़ाने के लिए है क्या? जो चार चार पांच पांच बार के मुख्यमंत्री जनता चुनती है, ये कौन होते हैं भाई? भाजपा कौन होती है मुझे ये बताइए अदिति जी। इस लोकतंत्र में जनता चुनती है ना सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को। अगर जनता को लगता है कि अदिति जी अच्छा काम कर रही है तो अदिति जी को अगर चुन के दिया है तो उसको हटा देना चाहिए। नहीं, ये नहीं, ये डर दिखाता है, ये खौफ दिखाता है, क्योंकि इनके सांसदों ने काम नहीं किया है। इनके सांसद अगर काम करते, आज मणिपुर का अगर आप जिक्र ले लीजिए तो मणिपुर के अगर वहाँ पे जो इनके मुख्यमंत्री है, अच्छा ठीक है, इनके इनके सांसदों ने काम नहीं किया, ठीक है, मैं आऊंगी सवाल करूंगी कैप्टन आई सिंह जी से। इनके सांसदों ने तो सवाल यहाँ पर काम नहीं किया आप ये कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके पास तो सांसद ही नहीं है, लोकसभा की केवल एक सीट आपके खाते में है, आप ये बताइए कि इस बार आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर हम कब्जा करेंगे और 17 सीटें आपको अखिलेश यादव ने दी हैं गठबंधन में रहते हुए, कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे वहां से? देखिए हम अखिलेश और हमारा जो गठबंधन है सपा और हमारा जो गठबंधन है, हम मजबूती से आपको कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सीट, ज्यादा सीट निकालेंगे। पिछले चुनाव से जो सीटें हमारी आई थी उससे ज्यादा बढ़ के चुनाव में इस बार सीटें आएंगी, लेकिन अब कैलकुलेशन अब भाजपा और अमित शाह तो है नहीं कि हम 400 का आंकड़ा बता दें कि हम 400 जाएंगे। अभी हवाई बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई 400 का आंकड़ा, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं अदिति जी बता देता हूँ, 150 सर, मेरा नाम अदिति नहीं, मेरा नाम रेशु है। अरे रेशु, तो मैं आपको बता दूं कि 150 सीट क्रॉस नहीं हो रहा है भाजपा का, और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री और ईडी और सीबीआई को लगा के, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो
हेमंत सोरेन हो, चाहे वो महाराष्ट्र में, चाहे आप ले लीजिए अशोक चव्हाण हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे अकाली दल ले लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी ले लीजिए, ये ठगने का काम करते हैं। और इनका ठगने का अभी जो नियम लगा है नया, अभी इन्होंने चालू किया, वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से किया है, क्योंकि इनमें तो दम नहीं है। तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरह से ये विपक्ष को परेशान कर, ठीक है, और केंद्रीय एजेंसियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उस पर भी तो कभी आप टिप्पणी कीजिए ना भरत सिंह जी। आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं उस मुद्दे को भी तो आप कभी उठाइए। पश्चिम बंगाल में जब ईडी की टीम जाती है, जब सीबीआई की टीम जाती है, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, उसको भी तो आप कभी उठाइएगा। सरासर गलत है। अगर केंद्रीय एजेंसियों पे हमले हो रहे हैं तो सरासर गलत है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के इशारे पे अगर जनता के ऊपर, चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर हमला करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए बताइए? क्या उनका काम है निष्पक्ष होकर जांच करना कि नहीं करना? अगर आप सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाएंगे तो सत्ता पक्ष में कौन बैठा है उसको निशाना नहीं बनाएंगे, जो उनके अंदर जाता है, जो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पे एक नाम देता हूँ, खड़से जी। अब खड़से जी देखिए, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले डेली खड़से जी के पास जो है, एक नाथ खड़से जी के पास ईडी सीबीआई जांच कर रही थी। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही वो भाजपा में जाएंगे उनको क्लीन चिट मिलेगा नरेंद्र मोदी वाशिंग पाउडर से, ठीक है। मेरे पास समय का अभाव है, संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी कैप्टन राय सिंह जी, जो गंभीर आरोप लगाए हैं अभी भरत सिंह जी ने। देखिए रेशु, संक्षेप में सर, कांग्रेस के पास आज शब्द नहीं है कहने के लिए, ना इनके पास नेता है और ना ही कोई नीति है। आज इनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई नेता बताते हैं, और राहुल गांधी को पूरा देश नेता मानता नहीं है, और वो खुद भी राजनीतिक नहीं है। अगर वो किसी दूसरे फील्ड में जाते हो सकता है बहुत अच्छा कर लेते, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते या वो बिजनेसमैन होते तो कुछ अच्छा करते, वो जबरदस्ती उनको बार बार जो है ना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फिर भी वो प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहे। तो आज ये बताते हैं, लेकिन 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 कहा ये भी जाता है ना कि एक ही क्षेत्र में जब आदमी रहता है तो बहुत कुछ सीख लेता है। हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी इतना कुछ सीख जाए कि आप ही के ऊपर भारी पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।